ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है तरंगे, इंग्लिश में इसे बोला करते हैं हम वेव्स। ओके, वेव्स क्या होती है? तरंगे क्या हुआ करती हैं? तो आपसे मैं बोलूंगा कि तरंगे क्या होती हैं। तरंगे आपने पहली बार कहाँ देखी? तो आपने जो पहली बार तरंगे देखी, मेरे ख्याल से पानी में बलती हुई आपने तरंगे देखी। जब पानी में आपने कोई पत्थर डाला, जैसे ही आपने पानी में कोई पत्थर डाला, तो पानी में वेव्स जो है बनना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, पहले पत्थर डाला, तो पत्थर डालने से क्या होता है, वहां पर जाता है डिस्टरबेंस, जिसे कहते हैं विक्षोभ। ओके, यहां पर एक प्रकार का विक्षोभ, विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस, कोई ना कोई हलचल। तो यहाँ पे हलचल गई, हलचल जैसे जाती है विक्षोभ जाता है, तो ये विक्षोभ जो होता है इस तरीकों से तरंग के रूप में आगे की तरफ बढ़ता जाता है, तांगे की तरफ बढ़ता जाता है। ऐसी तरंगें जो लगातार आगे की तरफ बढ़ती जाएं, कभी लौट करके पीछे ना आएं, ऐसी तरंगों को हम बोलते हैं प्रगामी तरंगें। कौन सी तरंगें? प्रगामी तरंग जी हाँ, तो ये कहलाती हैं प्रगामी तरंगें, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। ये कहलाती हैं प्रगामी तरंगें। भाई तो तरंग क्या है? तरंग क्या है? तरंग है ऊर्जा संचरण का तरीका। ओके, ऊर्जा संचरण का जो रास्ता होता है, जो तरीका होता है, वो कहलाता है तरंग। मतलब ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए तरंगों का सहारा लेती है। ओके, सो व्हाट इज तरंग? तरंग क्या है? ये ऊर्जा संचरण का तरीका है, ऊर्जा के संचरण का एक प्रकार का स्टाइल है। ओके, ऊर्जा के संचरण की एक विधा है। तो क्या है ये? ऊर्जा संचरण की विधा, मतलब ऊर्जा के संचरण का एक तरीका है। विधा मतलब स्टाइल, स्टाइल है ना। अल्टीमेटली होता क्या है? अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली हो रहा है कि इस बिंदु से जो तरंग है, इस बिंदु से ऊर्जा चल करके इस बिंदु के ओर आ रही है ना। बट कैसे आ रही है? ये सर्कल सर्कल छल्ले छल्ले बनेंगे, उनके रूप में ऊर्जा चल करके आ रही है। सीधी ऊर्जा नहीं गई है। ओके, इन छल्लों के बनने की वजह से ऊर्जा फाइनली वहां तक पहुंच गई है, तो वो कहलाती है तरंग। समझ गए? तो ये क्या होता है तरंग? तरंग जो होती है ऊर्जा संचरण का एक स्टाइल है, एनर्जी ट्रांसफर का एक स्टाइल है। जैसे सांप चलता है, सांप ऐसे ऐसे लहरा करके चलता है। ओके, तो ये क्या है? ये सांप के चलने का स्टाइल है। ऐसे ही ऊर्जा के संचरण का भी एक स्टाइल होता है, जिसको हम बोलते हैं तरंग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने एक डोरी खींच ली, डोरी बांध ली दो एंड से, दो एंड हैं, दो सिरे हैं, उनसे आपने डोरी बांध ली और आपने फिर इस डोरी को खींचा। तो डोरी को जैसे खींचोगे तो डोरी नीचे होगी, फिर ये वाला हिस्सा जो है रुक जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, फिर इधर का काम खत्म, तो ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इस तरीके से। तो आपने विक्षोभ दिया कहाँ था? यहाँ दिया था आपने विक्षोभ, और विक्षोभ जो था फाइनली ट्रांसफर होते 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 एंड कोने पर आपका विक्षोभ पहुंच गया। विक्षोभ मतलब आपने यहां पर क्या दी थी? एक प्रकार की ऊर्जा दी थी, और ये ऊर्जा जो है यहां पर फाइनली पहुंच गई, मतलब ऊर्जा का संचरण हो गया। ऊर्जा का संचरण एक विशेष स्टाइल से होता है, इस स्टाइल को बोलते हैं तरंग। ऊर्जा का संचरण एक विशेष प्रकार की स्टाइल से होता है, उस स्टाइल को बोलते हैं तरंग। तो तरंग क्या है भैया? तरंग जो है वो ऊर्जा संचरण का स्टाइल है, ऊर्जा संचरण का तरीका है। ये तो हो गई तरंग की बात। तरंग के बाद ये तरंग जा रही है, तरंग में फाइनली विस्थापन कहाँ हो रहा है, ऊर्जा जा कहाँ रही है? तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊर्जा जा रही है। इसमें ऊर्जा कहाँ जा रही है? मैं रेड कलर के पेन से दिखाऊंगा कि इसमें ऊर्जा जो है अंदर से बाहर की ओर जा रही है, ये यहाँ जा रही है ऊर्जा। ऊर्जा का गमन बाहर की तरफ हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो तरंग के माध्यम से हो रहा है। तो ये जो
लाइन कहलाती है, ये जो रेखा कहलाती है, मतलब ऊर्जा संचरण की दिशा को बोलते हैं किरण। तो किरण क्या होती है? किरण होती है ऊर्जा संचरण की दिशा। ऊर्जा संचरण का स्टाइल तरंग है, मगर ऊर्जा संचरण की दिशा क्या है? ऊर्जा संचरण की दिशा को बोलते हैं किरण। ऊर्जा संचरण की दिशा किरण कहलाती है। आइए एक बात करता हूँ मैं आपसे, जब सूर्य आपके सिर के ऊपर चमकता हुआ दिखाई देता है डेली, तो सूर्य से जो तरंगे निकलती हैं बच्चों, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश तरंगे होती हैं, सूर्य से जो तरंगे आती हैं, तीन प्रकार की तरंगे आती हैं, अवरक्त, दृश्य एवं परावैगनी, मैंने बता दिया था क्लास में। तो सूर्य से दो चीज़ें आपको मिलती है, एक मिलती है किरण और एक मिलती है तरंग। अब दोनों में फर्क समझिए। ये सूर्य से आने वाली ये जो इस तरीके की स्टाइल में जो एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी के आने का तरीका है। तो एनर्जी जो है वो किस माध्यम से आती है? तरंगों के माध्यम से ऊर्जा आया करती है। तो प्रकाश जो ऊर्जा है वो तरंग के रूप में हम पर आपतित होती है, तो ये आती है तरंग। मगर तरंग फाइनली किस दिशा में चल रही है? तरंग के चलने की दिशा ये है, तो ये कहलाती है किरण। यस, तो ये हो गया वेव्स। तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं वेव और किरण को बोलते हैं रे। यस, तो किरण को बोलते हैं रे। तो एक बात हो गई तरंग और एक बात हो गई रे। तरंगों का अध्ययन करने के लिए क्लास ट्वेल्थ में आप एक चैप्टर पूरा पूरा पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा वेव ऑप्टिक्स। इसे बोलेंगे तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, इसमें केवल तरंगों की बात होगी। और अगर रे की बात करेंगे, किरण की बात करेंगे, तो एक चैप्टर आपको क्लास ट्वेल्थ में आएगा जिसका नाम रहेगा किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी का मतलब रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश के दो पहलू हैं, एक तरंग है और तरंग के चलने का जो रास्ता है वो क्या है? सीधी रेखा है, किरण है। तो जब तक आप उसके वेव यानी कि तरंग गति को कंसीडर करेंगे, तरंग नेचर को कंसीडर करेंगे, तब तक आप पढ़ेंगे उसका वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाश की। और जब आप तरंग को भूल करके केवल उसके गमन की दिशा के बारे में यानी सरल रेखा के बारे में विचार करेंगे कि लाइट कैसे आती है कैसे जाती है, आपने देखा है इसके पहले छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में लाइट सीधे आया करती थी, यहाँ पर टकराया करती थी, ये अभिलंब होता था और लाइट चली जाती थी। और ये भी क्या है? किरण। और ये भी क्या है? किरण। तो किरण आई और किरण गई, तो ये कहलाएगा आपका, ये जो पार्ट है ये आता था किरण प्रकाशिकी में। मगर अब क्लास ट्वेल्थ में आपके पास तरंग प्रकाशिकी आएगी, उसका सीन कैसा होगा? किरण तो आई थी मगर अब आपको तरंग को देखना पड़ेगा, तो ये तरंग इस तरीके से आएगी और तरंग आने के बाद भी उसमें कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है ना? वो परिवर्तन अभी पाना संभव नहीं है, है ना? जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। ये देखिए, तो किरण आई, अभी तरंग आई, यहाँ पर ये तरंग, और तरंग आती है और तरंग जाती है। तो जो आपने लिखा था पहले लाल कलर में वो था प्रकाश किरण का परावर्तन, प्रकाश किरण का परावर्तन देखा आपने। इसके बाद जो दूसरी चीज आपने देखी है ये है तरंग का परावर्तन। फिर तरंग चाहे कोई भी हो, चाहे प्रकाश की तरंग हो, चाहे ध्वनि की तरंग हो, तो यहां पर आपने देखा तरंगों का परावर्तन, तरंगों का परावर्तन। तो इसलिए आप समझ रहे हैं क्योंकि 11th के साथ साथ क्लास 12th में भी तरंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें यहां पर तरंग को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों चैप्टर की प्रस्तावना अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों को? तरंग और किरण के बारे में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। यस। तो ये तो थी तरंग की बात। आइए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है चैप्टर में। तो भैया ऑब्जेक्टिव तो हम बाद में करेंगे,
सबसे पहले सीधे सवाल पे आ जाते हैं, सवाल सीखेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या है। चलिए पहला प्रश्न लिखेंगे कॉपी में अपने, प्रगामी तरंगों से क्या तात्पर्य है, प्रगामी तरंगों से क्या तात्पर्य है, प्रगामी तरंगे क्या होती हैं, प्रगामी तरंगे। यस हाँ भाई अशोक मौर्य, बेटा माइक ओपन करो, बाकी सबके माइक ऑफ रहेंगे, अशोक मौर्य आपको रिप्रेजेंट करेंगे। प्रगामी तरंगों से क्या तात्पर्य है, पढ़िए अशोक मौर्य जी। जब किसी माध्यम में कोई ऐसा विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है जो माध्यम में बिना रूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, तब यह विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। हाँ, तो विक्षोभ का मतलब क्या होता है बेटा, विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस। यस, आपने जो यहाँ पर झटका उत्पन्न किया वो है विक्षोभ, और ये झटका एक जगह नहीं रुकेगा, ये झटका आगे बढ़ता जाएगा, ये झटका आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो झटका होता है ये आगे बढ़ेगा, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक निश्चित चाल से आगे बढ़ेगा। जी हाँ, जो तरंग होती हैं उसकी चाल जो होती है वो निश्चित हुआ करती है, तरंग की जो गति होती है वो निश्चित हुआ करती है। तरंग की गति का फॉर्मूला लिख लें, v बराबर n लैम्डा, ये तरंग गति का फॉर्मूला है, v बराबर n लैम्डा, या इसको v बराबर कुछ लोग न्यू लैम्डा भी बोलते हैं। न्यू क्या है, उस तरंग की आवृत्ति है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। न्यू है तरंग की आवृत्ति और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे निश्चित चाल को याद रखिएगा कि अगर कोई तरंग माध्यम में बिना रूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती जाती है, एक फिक्स स्पीड से आगे बढ़ती जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रगामी तरंगे बोला करते हैं, इसको हम प्रगामी तरंग बोलते हैं। चलिए अब तरंग का हम पढ़ते हैं प्रकार, तरंग का प्रकार। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, तरंगों के प्रकार, तरंगों के प्रकार, तरंगों के प्रकार। अब तरंग के प्रकार का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। मैं जो पहला वर्गीकरण आपको पढ़ा रहा हूं वो है माध्यम के आधार पर, आधार पर, माध्यम के आधार पर। आइए देखते हैं, तो तरंगों के दो प्रकार होते हैं बच्चों, माध्यम के आधार पर तरंगों के दो प्रकार हैं। एक, जिनमें तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होगी, दो, ऐसी तरंगें जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो भैया दो तरीके की बातें कर दी हमने यहां पर, एक, ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम की आवश्यकता होगी, दो, ऐसी तरंगें जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी तरंगें जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, जो बिना माध्यम के नहीं चल सकती हैं, ऐसी तरंगों को हम बोलते हैं यांत्रिक तरंगें। लिखें बच्चों, यांत्रिक तरंगें जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है। उदाहरण, यांत्रिक तरंगें जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, उदाहरण डोरी में खींची हुई तरंग। डोरी क्या है, माध्यम है, डोरी तो वहीं की वहीं रहती है, आगे पीछे कौन भागता है, तरंग भागती है, डोरी तो वहीं की वहीं रहती है, बस तरंग अपना काम करके गायब हो जाती है। तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर ये तरंग कैसी है, यांत्रिक तरंग है। ओके, तो यांत्रिक तरंग का पहला उदाहरण डोरी में उत्पन्न तरंग। ठीक, दूसरा, जल में उत्पन्न तरंग। तो भैया जल में माध्यम खुदा ही जल है, तो जल में उत्पन्न तरंग भी यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। दूसरा, ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी तरंगों को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें।
लिख लीजिए, ऐसी तरंगें जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनको माध्यम के लिए कोई जरूरत नहीं होती है और ये निर्वात में गमन कर सकती हैं। ये निर्वात मतलब जहां पर कोई माध्यम ना हो, ये निर्वात में गमन करती हैं। तो ये जो तरंगे होती हैं बच्चों मेरे, ये निर्वात में गमन करती हैं, समझ गए ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे क्यों कहते हैं, इसका आपको रीजन क्लास ट्वेल्थ में पता चलेगा, ठीक है ना। क्लास ट्वेल्थ में आपको पूरा चैप्टर आएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज जो है की थी क्लार्क मैक्सवेल ने, क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था कि सूर्य की किरण जो है और विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती। तो माध्यम के दो प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ लिए, माध्यम के प्रकार के आधार पर तरंगों का वर्गीकरण पढ़ लिया हमने, एक होती हैं यांत्रिक तरंगें और एक होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब पढ़ते हैं दूसरा, तरंगों का एक और वर्गीकरण, तरंगों का वर्गीकरण किस आधार पे, तरंगों का वर्गीकरण माध्यम के कणों के कंपन के आधार पे, जी हाँ, तरंगों का वर्गीकरण माध्यम के कणों के कंपन के आधार पे कि माध्यम के जो कण हैं वो कैसे कंपन कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये भी समझा जा सकता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, तो अब हम देख रहे हैं कि तरंगों का वर्गीकरण माध्यम के कणों के कंपन के आधार पे। देखिए, तो माध्यम के कणों के कंपन के आधार पे तरंगों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। अब कहोगे भैया अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, जरा महसूस करिए, जब आप डोरी को खींच करके और इसमें जब आप डिस्टरबेंस देते हैं तो डोरी के जो बिंदु हैं वो कैसे डांस करते हैं। डोरी के जो कण हैं अगर आपने नीचे खींचा है तो डोरी के कण जो होते हैं वो नीचे पहले इस तरीके से और नीचे के बाद ऊपर डांस किया करते हैं, यस। मगर वेव कहाँ जा रही है, ये है तरंग गति की दिशा और ये है कंपन की दिशा ऊपर नीचे। तो ध्यान से देखिए, ये है तरंग गति की दिशा, ये तरंग गति की दिशा है और कंपन की दिशा कहाँ है, कंपन की दिशा है ऊपर नीचे, कंपन की दिशा ऊपर नीचे। तो तरंग गति भी, तरंग गति और कंपन के बीच का जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो अगर तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन की दिशा हो तो ऐसी तरंग को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, जिसमें तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के बिंदुओं के कंपन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। आइए देखते हैं दूसरा, अनुदैर्ध्य तरंग देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। अनुदैर्ध्य तरंग में यही होता है कि कंपन की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा समान होती है, तरंग संचरण की दिशा जो होती है अगर वो एक समान होती है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। आइए देखते हैं कैसे। ये आपके पास कोई लोहे का जोरदार लोहे की रॉड है, लोहे का वो रेल की पटरी का टुकड़ा है। आपने क्या लिया, आपने यहाँ पे एक बढ़िया हथौड़ा लिया, और आपने इस हथौड़े से इस पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही आप इसके जोरदार प्रहार करेंगे तो पहले क्या होगा, यहाँ पर जोरदार संपीड़न होगा अणुओं के बीच में,
तो यहाँ पे संपीड़न होगा, तो आगे क्या होगा, पहले अणु जहाँ के पास पास आएंगे तो आगे वाले दूर दूर चले जाएंगे, तो यहाँ पर तो हो गया संपीड़न, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया विरलन। विरलन मतलब अणुओं का दूर दूर जाना, संपीड़न का मतलब अणुओं का पास पास आना। तो एक जगह अणु जो हैं पास पास आ रहे हैं और एक जगह अणु है दूर दूर जा रहे हैं, तो पहले संपीड़न फिर विरलन फिर संपीड़न फिर विरलन फिर संपीड़न फिर विरलन। और विशेष बात क्या है कि तरंग की गति की दिशा भी यही है, और जो वाइब्रेशन हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, कंपन की दिशा भी यही है। तो ऐसी गति जिसमें तरंग के कंपन की दिशा और आपके इसकी दिशा दोनों एक जैसी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ये तरंग कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग, क्योंकि यहाँ पे संपीड़न विरलन भी दिशा उसी दिशा में हो रहे हैं और तरंग का संचरण भी उसी दिशा में हो रहा है। ठीक है, ये कोई बच्चा शैतानी कर रहा यस है क्या? सर, ये कोई शैतानी कर रहा है। चलिए, तो ये आपका संपीड़न विरलन भी उसी दिशा में हो रहा है और तरंग गति भी उसी दिशा में हो रही है, तो ये आपका कहलाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। तो हमने दो प्रकार की तरंगें पढ़ ली हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब आइए देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें पढ़ना शुरू करते हैं। मौर्य जी, अनुप्रस्थ तरंगें पढ़ना शुरू कीजिए। जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग को चलने की दिशा में के लंबवत कंपन करते हैं तो तरंग का अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उदाहरण, तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे। बिल्कुल, अभी अभी मैंने बताया कि ये माध्यम के सं ये है संचरण की दिशा और ये इनके कंपन की दिशा है, और ये संचरण की दिशा है, वेग है इस तरफ। तो दोनों यदि एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, सॉरी अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। अगला पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य तरंग कौन होती है, कौन पढ़ेगा? साहिल पाल बेटा, माइक ऑन करिए अपना। साहिल पाल, साहिल पाल माइक ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, छत्रपाल माइक ऑन करो। हाँ यस भाई, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना है अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, पढ़िए अनुदैर्ध्य तरंग। सर, जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं तो तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उदाहरण, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। बिल्कुल सही, अभी अभी मैंने बताया कि कंपन की दिशा भी वही होगी और गति की दिशा भी वही होगी। तो ऐसी तरंग जिसमें कणों की कंपन गति और कणों की तरंग गति सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, तो तरंग को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इस उदाहरण, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। यस, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। तो थोड़ा सा भी मैंने बताया था, ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में बच्चों दो चीज हुआ करती है, एक सर्वाधिक आयाम ऊपर नीचे और एक न्यूनतम आयाम, ठीक है ना? तो सर्वाधिक आयाम जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं श्रृंग, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं गर्त। तो ये जो गति होती है अनुप्रस्थ गति, अनुप्रस्थ तरंग, ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ा करती है, मगर अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ा करती है। दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी, ये श्रृंग नंबर 1, ये श्रृंग नंबर 2 के बीच की दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। या दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी ले लो, या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी ले लो। ये देखिए, ये दो लगातार गर्त हैं, इनके बीच की दूरी को भी क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, अर्थात लैम्डा। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से शो करते हैं, दो लगातार श्रृंग और दो लगातार गर्त के बीच की दूरी।
इसी तरीके से अगर ये विरलन है तो इसके बाद क्या आएगा, संपीड़न। तो दो लगातार संपीड़न के बीच की दूरी को भी बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं छत्रपाल। सवाल है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पढ़ो भाई अनुप्रस्थ तरंग का पहला पॉइंट। अनुप्रस्थ तरंग के संचरण के दौरान माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। बिल्कुल सही बात, ये वाला पढ़ो अब। अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के दौरान माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। बिल्कुल सही बात, ये भी देख लिया हमने कि संचरण की दिशा इसमें कंपन की दिशा के समानांतर होती है या वही दिशा होती है। सेकंड पॉइंट पढ़ो, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग एवं गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं तथा एक श्रृंग व एक गर्त मिलकर एक तरंग बनती है। बिल्कुल सही बात है, एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर के एक तरंग बनती है। तो आपसे कोई बोले एक तरंग क्या है, तो ये पूरा का पूरा छल्ला जो होता है इसको बोलते हैं एक तरंग। और इस तरंग की लंबाई क्या है, शुरू से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो होती है इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तरंग का एक छल्ला कितना लंबा है, तरंग का छल्ला जितना लंबा होगा उतनी बड़ी होगी और तरंग का छल्ला जितना छोटा होगा वो तरंग उतनी छोटी होगी। थोड़ी सी इस पर बात कर ली जाए। आइए देखते हैं, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैं आपके सामने कुछ तरंग यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये एक तरंग है और इसका छल्ला जो है इतना बड़ा है, तो ये इस तरंग की लंबाई कहलाएगी। तरंग की लंबाई को ही बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, और ये कहलाएगा लैम्डा। ये मतलब ये छोटी तरंग है। दूसरी तरंग देखिए आप, ये देखिए इस तरंग की लंबाई बहुत ज़्यादा है, ये लैम्डा इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब ये तरंग जो है बड़ी है। मतलब इसका लैम्डा जो है, इस तरंग का नाम अगर आप बी ले लो, मतलब लैम्डा बी बड़ा होगा लैम्डा ए से। मतलब दूसरी वाली तरंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है और पहली वाली की तरंग दैर्ध्य कम है। अगला पढ़ो, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न व विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं तथा एक संपीड़न व एक विरलन मिलकर एक तरंग बनती है। बिल्कुल सही, संपीड़न और विरलन के रूप में तरंग आगे बढ़ती है और एक संपीड़न और एक विरलन मिलकर के एक तरंग बनाती है। तो यदि जो अभी देखा था हम लोगों ने डायग्राम में कि पहले संपीड़न हुआ था फिर विरलन हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक संपीड़न घना घना रहेगा, फिर इसके बाद विरलन मतलब कि थोड़ा मद्दा मद्दा रहेगा। यस, तो एक संपीड़न से लेकर के एक विरलन, जैसे यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे ख़त्म एक तरंग हो गई थी, ऐसे यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे ख़त्म, यह भी कहलाएगी एक तरंग। ठीक है ना, तो संपीड़न और विरलन मिला करके क्या बनाते हैं, एक तरंग बनाया करते हैं संपीड़न और विरलन मिला करके। हाँ बेटा अगला पढ़ो, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस पदार्थों में या द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न हो सकती हैं। हाँ, और अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं। बिल्कुल सही, तो जानने वाली बात यह है कि अनुप्रस्थ तरंगे ठोस में और द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना, मगर जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ठोस, द्रव और गैस, मतलब गैस में तो अनुप्रस्थ हो ही नहीं सकती है, गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है। लिख लें भैया, गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही गमन कर सकती है। ठोस और द्रव में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो जाएंगी, मगर यदि हम गैस की बात करें तो गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही आएगी। ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस पदार्थ में या द्रव के ऊपरी तल पर हो सकती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे जो हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में हो सकती हैं। क्लियर बच्चे, समझ में आ गया? यस सर। ओके सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक पॉइंट लिखा है इसमें कि द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती है, ये समझ में नहीं आया। चलो देखो, द्रव के ऊपरी तल पर अनुप्रस्थ तरंगे चला करती हैं। कैसे,
आपने कभी पानी में पत्थर डाला हो तो उसमें एक विशेष प्रकार का कंपन होता है, आप देखिएगा। ये पानी में, छोटी सी बाल्टी में पानी में पत्थर डालोगे तो एक विशेष प्रकार का कंपन होता है। तरंग गति तो आगे की तरफ बढ़ रही होती है, पानी का छल्ला आगे की तरफ तो बढ़ रहा होता है, मगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो छल्ला बनता है वो हल्का सा ऊपर नीचे, उसके लहरें बनती हैं तो ऊपर नीचे बंप हुआ करता है, अपनी जगह पर ऊपर और नीचे बंप होता है, हाँ या ना? यस सर, यस होता यस, ऊपर नीचे। तो सतह पर पानी जो है ऊपर नीचे भी हल्का हल्का झटका मारता है, तो ये क्या है भैया? ये माध्यम के कण की दिशा कहाँ है? आगे की तरफ है। माध्यम के कण कहाँ जा रहे हैं? आगे की तरफ। और दोलन कैसे हो रहे हैं? है। इसके यस सर, लंबवत। तो इसलिए जल की सतह पर बनने वाली तरंग, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, कि जल की सतह पर बनने वाली तरंग कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। जल की सतह पर बनने वाली तरंग कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग। परंतु जल के अंदर जो तरंग बनती है बेटा, वो अनुदैर्ध्य होती है। अगर आप पानी के अंदर चले जाएंगे तो पानी के अंदर जो वेव बनेगी बच्चों, वो अनुदैर्ध्य होगी। जल की सतह पर अनुप्रस्थ बनती है, जल के अंदर जो होती है अनुदैर्ध्य बनती है। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर है। यस, ओके, कम बैक टू द पॉइंट। ओके, ये हो गया। और ये देखा, अनुप्रस्थ तरंगे ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह में उत्पन्न होती हैं, परंतु अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं। अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगों में अंतर। क्वेश्चन की हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, कॉपी में सभी लोग, प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर। बहुत छोटा चैप्टर दिया गया है इसमें, अभी ये खत्म हो जाएगा। तो इतना ही सिलेबस में कम कर दिया गया है आपको, इतना ही सिलेबस में आपके जो है पढ़ाना है आपको। तो प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर बता देते हैं। प्रगामी तरंगें मैंने बताई, ऐसी तरंगें जो कभी नहीं रुकती हैं और एंडलेस गति करती जाती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रगामी तरंगें। जैसे कि आपने अगर समंदर में पत्थर डाल दिया, या आपने छत पे खड़े होकर बहुत जोर से चिल्ला दिया, तो आपकी जो आवाज़ है वो एंडलेस गमन करती ही जाएगी, करती ही जाएगी। कुछ देर के बाद आपको सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी साउंड मर गई है, आपकी साउंड जो है अनंत काल तक जाती जाएगी। तो ये कैसी तरंग है? प्रगामी तरंग, जो एक निश्चित वेग से, याद रखिएगा, निश्चित वेग, एक फिक्स वेलोसिटी से एक ही दिशा में गमन करती है, उसको बोलते हैं हम प्रगामी तरंग। परंतु दूसरी बात देखिए, एक कप का प्याला ले लीजिए, कप के प्याले में पानी या दूध जो भी भरना हो भर दीजिए, और ऊपर से इसमें कोई बिस्किट या शक्कर का टुकड़ा बड़ा सा, या कोई भी छोटा सा पत्थर ले लो और इस पे गिराओगे, टिप करोगे, डिप, तो कैसी तरंग बनती है? ऐसी तरंग बनती है, पहले यहां से तरंगे बनेंगी, फिर इधर की तरफ जाएंगी, फिर वही जो बन चुकी हैं वो लौट करके आएंगी, तो ऐसे बड़े बड़े हिलोर बनते हैं यहाँ पे इस पे। जब वो दोनों मिलती हैं तो कप में बड़े बड़े हिलोर बना करते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपने सामने कप रखिए और उसको अपने टेबल पे खसकाइए, तो आपको बीच बीच में कप में यहाँ पर बड़े बड़े छल्ले ऊपर की तरफ उभरे हुए मिलेंगे। बोलो बच्चों, हाँ या ना? यस सर, यस हाँ। सर, तो ये तरंग जो है ऐसा है कि पहले तो सेंटर से यहाँ तक गई, जैसे ये कप है, तो क्या हुआ, पहले तरंग यहाँ से यहाँ गई और जैसे ये टकराई कप की बाउंड्री से तो लौट करके आती है। तो जब लौट करके आ जाती है, मतलब ये जो तरंग है एक निश्चित सीमा के अंदर बंधी हुई है, ऐसी तरंग को हम बोलते हैं अप्रगामी तरंगें। ऐसी तरंगें कहलाती हैं अप्रगामी तरंग, समझ गए ना? अप्रगामी तरंगें, इनको हम स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई तरंगें, ये तरंगें जो हैं स्टैंडिंग वेव भी कहलाती हैं, स्टैंडिंग वेव्स। तो ये तरंगें बनती कैसी हैं?
ये तरंगे बनती हैं जब एक जाने वाली तरंग लौट करके आने वाली तरंग से भिड़ती है। तो दो तरंगे एक इधर से गई और एक उधर से जो टकरा करके आई कप की बाउंड्री से, दोनों आपस में भिड़ गई। तो ऐसी तरंगे तब बनती हैं जब दो तरंगे आपस में भिड़ती हैं। दो तरंगों का आपस में भिड़ना कहलाता है अध्यारोपण। तरंगों का अध्यारोपण, दो तरंगे जब आपस में मिलती हैं तो इनको हम बोलते हैं तरंगों का अध्यारोपण। यस, तो आइए देखते हैं प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंगों में अंतर। हाँ भाई, संजना कनौजिया, बेटा माइक ऑन करो, मेरी आवाज सुन पा रही हो? यस सर। हाँ चलो, तो पढ़ो संजना प्रगामी और अप्रगामी तरंगों के गुणों का अंतर। पहला पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट, ये तरंगे निश्चित वेग से आगे बढ़ती रहती हैं। बिल्कुल सही, ये तरंगे निश्चित वेग से आगे बढ़ती रहती हैं। अप्रगामी तरंगों के बारे में पढ़ो, ये तरंगे निश्चित परिसीमाओं के बीच अपने ही स्थान पर बनी रहती हैं। यस, ये तरंगे आगे नहीं बढ़ती हैं, अपने ही स्थान पर बनी रहती हैं। ठीक उसी तरीके से कि आप अपने कप को पानी रख करके खसकाओ तो देखना वहीं पर तरंग बनेगी और वहीं पर ऊपर नीचे हिलेगी, ना इधर वाला इधर होगा ना आगे वाला पीछे होगा, वहीं पर घर ऊपर नीचे बनेगी। मतलब ये तरंगे अपने ही स्थान पर बनी रहती हैं। हाँ, अगला पॉइंट पढ़ो बेटा, इन तरंगों के द्वारा प्रगामी में, इन तरंगों के प्रत्येक कण अपने पास वाले दूसरे कण को ऊर्जा स्थानांतरित करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भैया तरंगे चल रही हैं तो पीछे वाली जो तरंग होगी आगे वाली तरंग को ऊर्जा स्थानांतरित करेगी, है ना, क्योंकि ये इसको ऊर्जा स्थानांतरित करेगी। अब इसमें तरंगों में जो होती है ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती। पढ़ो बेटा इसको, इन तरंगों द्वारा मार्ग में ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती है। बिल्कुल सही। यस, थर्ड पॉइंट पढ़ो, इन तरंगों में किसी भी स्थिति में माध्यम के सभी कण एक स्थान अपनी माध्यमान स्थिति में नहीं होते। इसमें इन तरंगों में एक आवर्त काल में दो बार माध्यम के सभी कण एक स्थान एक साथ अपनी माध्य स्थिति में आते हैं। बिल्कुल सही बात है, इन तरंगों में आवर्त काल में दो बार, एक आवर्त काल में दो बार। क्यों भैया? ये देखिए, ये है एक आवर्त काल का समय, ओके, टाइम पीरियड एक आवर्त काल का समय है। तो यदि यहाँ से तरंग शुरू हुई है तो एक बार यहाँ पर माध्य स्थिति आ रही है और एक बार यहाँ पर माध्य स्थिति आ रही है। तो यहाँ पर इन तरंगों में, किन में? अप्रगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण एक साथ अपनी माध्य स्थिति में होते हैं। जैसे जब आप कप को घसीट रहे हो, जब आप कप को घसीट रहे हो तो जो कप में छल्ले बन रहे हैं वो सब के सब छल्ले उठे होंगे एक साथ, बिल्कुल बराबर बराबर, और जब बैठे होंगे तो सब के सब एक साथ बैठे होंगे। मतलब जब माध्य स्थिति में होंगे तो सारे के सारे माध्य स्थिति में होंगे, और जब माध्य स्थिति में नहीं होंगे तो सारे के सारे माध्य स्थिति में नहीं होंगे। यस, ये हो गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 4, ये तरंगे स्रोत से निस्तृत होती हैं, अध्यारोपण से नहीं बनती। यस, ये तरंगे अध्यारोपण से नहीं बनती हैं। ये वाला पढ़िए बेटा, ये तरंगे विपरीत दिशा में संचरित समान आयाम एवं समान आवृत्ति की प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से बनती हैं। अभी मैंने बताया कि कप में आप जैसे ही बीच में कोई हलचल उत्पन्न करोगे तो यहाँ से एक तरंग यहाँ पर जाएगी और दूसरी लौट करके आएगी, तो दो तरंगों का अध्यारोपण होगा, दो तरंगों का अध्यारोपण होगा, समान आवृत्ति और समान आयाम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगे आपस में लड़ेंगी, उनके लड़ने को हम बोलते हैं अध्यारोपण, और अध्यारोपण से कौन सी वेव तैयार होगी, अध्यारोपण से जो वेव तैयार होगी उसको बोलते हैं अप्रगामी तरंग। बच्चों बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो इस तरीके से अप्रगामी तरंगे यहाँ पे बन जाती हैं, ठीक है ना बच्चों? तो चलिए, ये आपका चैप्टर जितना आपको दिया गया था दिग्दर्शिका में, इसमें आपके शिवलाल में, ये कंप्लीट हो गया है। अब आइए देखते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं,
इसके क्वेश्चंस हमने, हाँ बोलो बेटा सर, जो तरंग का दिया ये तरंग एक समान वेग से गति करती है, तो सर इस पॉइंट को थोड़ा सा बता दीजिए। किस तरंग के बारे में कह रहे हो एक समान वेग से गति करती है, पहले ये बताओ। प्रगामी तरंग। प्रगामी तरंगे बिल्कुल सही, एक समान वेग से गति करती है। ये जैसे आपके पास कोई प्रगामी तरंग है, अगर आप माध्यम ना बदलो बार बार, तो उसका जो वेग होता है वो समान हुआ करता है। जैसे आपने ये कोई यहाँ पर डोरी आपने खींची, तो जितनी देर में एक छल्ला पूरा का पूरा ट्रेवल करेगा, उतनी देर में ही अगला छल्ला उस माध्यम में ट्रेवल कर लेगा। मतलब यहाँ का जो वेग बनेगा वो यहाँ का वेग बनेगा, अगला वेग भी यहाँ का वेग बनेगा। इस तरीके से ये कहलाता है एक समान वेग। मतलब पूरे माध्यम में ये एक समान वेग से गतिरा करती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पहला छल्ला आपका बन गया 2 सेकंड में और दूसरा छल्ला बन रहा है 10 सेकंड में, कि पहला छल्ला बन गया 2 में और दूसरा छल्ला बन गया 10 में। मतलब यहाँ की स्पीड हो गई ज़्यादा और यहाँ की स्पीड हो गई कम। नो, ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला छल्ला 2 में बने। जिस स्पीड से पहला छल्ला तैयार होगा, पहला छल्ला तैयार होना मतलब वेव का गति करना, उसी स्पीड से दूसरा छल्ला भी तैयार होगा। तो हर छल्ले के बनकर समाप्त होने में जो समय लगेगा वो बराबर होगा। इसको बोलते हैं कि तरंग का वेग समान होना, तरंग का वेग समान होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर जैसे अपन किसी रस्सी को खींचते हैं तो सर वो तरंग तो धीरे धीरे छोटी होती जाती है ना। देखिए अब आपने जो बात कही है, किसी रस्सी को खींचते हैं तरंग धीरे धीरे छोटी होती जाती है, क्योंकि वो है प्रायोगिक बात। एक प्रयोग की बात करेंगे, वो है प्रायोगिक बात है। तो प्रायोगिक बात में क्या होता है बेटा, कि रस्सी में हुआ करता है डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब जिसको बोलते हैं अवमंदन। क्या बोलते हैं बेटा? अवमंदन। तो अवमंदन में क्या होता है कि जब रस्सी का आपने शुरुआती आयाम लिया तो इसका आयाम रहता है a, इसके बाद लगातार इसका जो आयाम होता है वो कम होता जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और रस्सी अगर बहुत बड़ी हो तो आयाम जो होता है उसका यहाँ पर जा करके थोड़ी देर में ही 0 हो जाएगा, या बहुत मुश्किल से अंत तक पहुँच पाएगा। थोड़ी देर में रस्सी का आयाम जो है 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रायोगिक बात है, मगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो प्रायोगिक बात नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सैद्धांतिक बात, कि सिद्धांत क्या कहता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सैद्धांतिक बात। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो ये प्रायोगिक और सिद्धांतिक बात हो गई है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हो जाएं, कि देखते हैं हमारे बच्चों ने कितना सीखा। कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल जो है, जो हमने आपको कल बताया था, कि किस प्रकार से जो तरंग यहाँ पे होती है वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग कैसी हुआ करती है, बताइए आंसर क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य, यस। तो इस पर कल हम बात कर चुके थे कि वायु में उत्पन्न जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हुआ करती हैं। बिल्कुल सही। अगला देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं ठोस में, द्रव में, गैस में, किस में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, बताइए? ठोस में और द्रव में, वो भी द्रव की सतह में पैदा होती हैं, अंदर नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ठोस एवं द्रव। निम्न में किसका तरंग द्वारा प्रसारण होता है? अरे भैया, मेरी पहली लाइन ही आज की यही थी कि तरंग किसको प्रसारित करती है? ऊर्जा को। बिल्कुल सही। वायु में चलने वाली ध्वनि तथा प्रकाश तरंगे हैं, बताइए भैया ध्वनि तरंग कैसी है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, दोनों अनुदैर्ध्य या दोनों अनुप्रस्थ? अनुदैर्ध्य। क्या भैया, कौन सी अनुदैर्ध्य है, ध्वनि की प्रकाश? सर ध्वनि।
ध्वनि अनुदैर्ध्य है और प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है। बी आंसर इसका सही है, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ। ध्वनि की चाल अधिकतम है किसमें? वायु में, गलत 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 निर्वात गलत। स्टील में, में, निर्वात में। अरे स्टील में भाई, स्टील में। माध्यम जितना कठोर होगा ध्वनि की चाल उतनी बढ़ेगी, माध्यम जितना घनत्व होगा ध्वनि की चाल उतनी बढ़ेगी। समझ में आया? हाँ हाँ तो वायु में जो है ना ध्वनि की चाल जो है अधिकतम नहीं कही जा सकती है ना। स्टील में जो ध्वनि की चाल है वो अधिकतम है। फिफ्थ का डी ठीक। इसीलिए ट्रेन जो होती है वो बहुत दूर से पटरी में कान रख करके सुनाई देती है। यस अगला, ध्वनि तरंगे किसमें गमन नहीं कर सकती है? भैया ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? मैकेनिकल तरंगे, यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों को क्या चाहिए होता है? माध्यम। और निर्वात ऐसी जगह होती है जहाँ माध्यम ना हो, तो ध्वनि तरंगे कहाँ पर गमन नहीं कर सकती हैं? निर्वात में। इसलिए स्पेस में आप जा करके बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे निर्वात होता है, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। समझ में आया? यस चलिए ठीक है। अगला सवाल, अनुप्रस्थ तरंगों के लिए दृढ़ता आवश्यक है। अनुप्रस्थ तरंगों के लिए बताइए माध्यम में दृढ़ता होना आवश्यक है। क्या लग रहा, सही कि गलत? सत्य है, बिल्कुल सही बात है, माध्यम में दृढ़ता होनी चाहिए। अगला, ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन कर सकती हैं, सत्य या असत्य? सत्य सत्य असत्य। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ हैं, सत्य या असत्य? सत्य। सत्य वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, सत्य या असत्य? सत्य सत्य। बचपन में पढ़ के आए होगे 332। एक पूर्ण दृढ़ क्षण में ध्वनि का वेग अनंत होता है। एक पूर्ण दृढ़ क्षण में ध्वनि का वेग अनंत होता है। देखिए भैया ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि दृढ़ता जितनी ज्यादा होगी वेग उतना ज्यादा बढ़ेगा। दृढ़ता जितनी ज्यादा होगी वेग उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो यहां पर क्या बोला गया है? पूर्णतः दृढ़ है, बहुत अच्छा दृढ़ है। दृढ़ मतलब खूब अच्छा ठोस, तो ध्वनि का वेग अनंत होगा। तो सही बात है, माध्यम क्या है? माध्यम ठोस है मतलब ध्वनि का वेग बढ़ता जाएगा। और जब आप हमें पूर्ण दृढ़ दे रहे हैं तो वेग क्या होगा? सत्य बात होगी, ठीक ना, अनंत होगा। चलिए, श्रृंग तथा गर्त काय में होते हैं, अनुप्रस्थ में कि अनुदैर्ध्य में? अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ में होते हैं। संपीड़न और विरलन काहे में होते हैं? अनुदैर्ध्य। भूकंप की तरंगे कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक भूकंप भूकंप की तरंगे जो हैं यांत्रिक तरंगे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि ये धरती के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को कौन सी तरंग किस किस माध्यम से होता है? तरंग के माध्यम तरंग के माध्यम से। और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित तरंगे कौन सी हैं? द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे बच्चों क्लास 12 में आएगा। दुनिया का कोई भी पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन अगर भागता है तो उसके भागने के साथ साथ एक तरंग बन जाती है। समझ गए ना? मतलब कोई भी पार्टिकल, कोई भी द्रव्य अगर गति करता है तो उसके भागने से उसके साथ एक तरंग संबंधित हो जाती है। उस तरंग को बोलते हैं द्रव्य तरंग। ये तरंग कहलाती है द्रव्य तरंग, मैटर वेव। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तरंग द्वारा किस भौतिक राशि का स्थानांतरण होता है? मेरी पहली लाइन ऊर्जा का। ऊर्जा का, बिल्कुल सही, ऊर्जा का। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न व निकटतम विरलन के मध्य की दूरी क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और निकटतम विरलन के बीच की दूरी क्या होगी? सोचिए। अनुदैर्ध्य दूरी नहीं, तरंग दैर्ध्य बताया था मैंने, याद है? मगर सुनो, उसमें भी फर्क है। तरंग दैर्ध्य मैंने बताया था दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी। तो ये दो लगातार संपीड़न है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तरंग दैर्ध्य लैम्डा। मगर ये कह रहे हैं एक संपीड़न और एक विरलन, तो विरलन बीच में होता है तो आधी भी दूरी हो जाएगी। आंसर क्या आएगा? लैम्डा बाई टू। तो इसका कितना आंसर आएगा? लैम्डा बाई टू। लैम्डा बाई टू,
ठीक उसी तरीके से यदि मैं बोलूं आपसे कि एक श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी, तो ये श्रृंग है ये गर्त है, पूरी दूरी होती थी लैम्डा, तो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी कितनी होगी? लैम्डा बाई टू। चलो ठीक है ना। अगला सवाल तीसरा, जब ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर कौन सी प्रक्रिया होती है? बच्चों याद रख लो, कॉपी में लिख लो, ध्वनि तरंगों का माध्यम में चलना रुधोष में प्रक्रम है। यस, लिख लो, ध्वनि तरंगों का माध्यम में गमन करना रुधोष में प्रक्रम है बच्चों। ये तो ध्वनि तरंगों का जो माध्यम में चलना होता है ये एक प्रकार का रुधोष में प्रक्रम हुआ करता है। समझ में आ गया? क्लियर है सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको भैया हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, है ना, क्योंकि जब हम आपको इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे रुधोष में प्रक्रम जो है इसमें बहुत डिटेल लगेगी, तो राइट नाउ अभी ये संभव नहीं है कि इसको यहाँ पर हम व्यक्त कर सकें। तो बस अभी इतना याद कर लो कि ध्वनि तरंगों को किसी माध्यम में चलना जो होता है रुधोष में प्रक्रम होता है, इसलिए क्योंकि रुधोष में प्रक्रम में मैंने पढ़ाया है ऊर्जा का परिवर्तन कितना होता है? जीरो। यस, तो ध्वनि जब माध्यम में जाती है तो ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए ये एक रुधोष प्रक्रम है। अगला सवाल, वायु में ध्वनि की चाल बता चुका हूँ भैया, 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे, और हमने चैप्टर आपको पूरा करा दिया है परीक्षा अध्ययन से, और इस चैप्टर के नोट्स भी मैंने भेज दिए हैं, और चैप्टर के नोट्स को अच्छे से जोड़ करके निशा चक्रवर्ती जी, क्लास समाप्त होने वाली है, एंड होने वाली है एकदम, लास्ट एक लाइन बची, तो इस चैप्टर के नोट्स अच्छे से बना करके रेडी रखेंगे। मैं जैसे ही क्लास लगती है मैं देखूँगा जिन जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दो चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं, अब इसके बाद हम फिजिक्स का आगे जो चैप्टर बचे हुए हैं उनके रिवीजन भी करते रहेंगे लगातार। ठीक है बच्चों, गुड डे, बाय बाय। गुड डे सर, गुड डे सर, गुड डे सर।